हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कोई एक इमेज को ब्लर कैसे किया जाता है या उसके कुछ पार्ट को कैसे ब्लर करते हैं। हो सकता है आपको कुछ पिक्सल्स को ब्लर करना हो, पूरी इमेज को ना ब्लर करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथन कोड और पाइथन की ही एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे और PIP के थ्रू उसको इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे सर पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिए। यहाँ पर हम PIP का एक पैकेज यूज़ करेंगे पिलो नाम का, और ये आपको इंस्टॉल करना होगा पिप के थ्रू। तो PIP इंस्टॉल पिलो कमांड यूज़ करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इंस्टॉल करने के पहले आपको पाइथन और PIP इंस्टॉल होना चाहिए पहले से। तो अगर आपने ये इंस्टॉल नहीं किया है तो पहले ये इंस्टॉल कर लें। फिर हम चलते हैं, एक फाइल बनाएंगे नोट पैड में, और यहाँ पर हम उस पैकेज को यूज़ करेंगे। पिलो पैकेज में से हम इमेज और इमेज फिल्टर को इम्पोर्ट करेंगे। एक वेरिएबल बनाएंगे बिफोर नाम का। बिफोर वेरिएबल में हम वो इमेज को स्टोर कराएंगे जिसे हमें ब्लर करना है, वो हमारी सोर्स इमेज होगी। तो हम सबसे पहले उसे ओपन करेंगे, तो इमेज यूज़ करके इमेज डॉट ओपन और उसके अंदर फाइल का नाम देंगे। ये वाली फाइल है हमारी, ये सोर्स फाइल है, हमें इसे ब्लर करना है। इसका नाम हमने लिया अबाउट मी 1.png और मैं इस नाम को यहाँ पर डाल दूंगा। अगर ये किसी और फोल्डर में है तो हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा, और अगर ये किसी और फोल्डर में नहीं है, सेम फोल्डर में जहाँ पर हम ये फाइल बना रहे हैं, तो आप डायरेक्ट नाम भी दे सकते हैं। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे आफ्टर, जिसमें हम स्टोर कराएंगे मैनिपुलेटेड इमेज। मैनिपुलेटेड मतलब जो इमेज ब्लर्ड हो गई होगी उसे। तो हम बिफोर वाले वेरिएबल पे फिल्टर मेथड अप्लाई कर रहे हैं, और फिल्टर मेथड के अंदर हम इमेज फिल्टर डॉट बॉक्स ब्लर मेथड लगा रहे हैं। तो इमेज फिल्टर डॉट बॉक्स ब्लर उस इमेज को जो बिफोर में है उसे ब्लर करेगा, और हमने यहाँ वैल्यू दी है 1। इसका मतलब है कि 1 पिक्सल जो है वो ब्लर होगा। उसके बाद हम आफ्टर वाली में जो आउटपुट आएगा ब्लर होके, उसे हम सेव कराएंगे। तो हमें एक फाइल का नाम देना पड़ेगा जिसमें हम सेव कराने वाले हैं हमारी फाइनल इमेज को। तो आफ्टर डॉट सेव, और हमने नाम दिया है उसे अबाउट ब्लर, और इस फाइल को सेव करिए जिसमें हम लिख रहे हैं ये कोड। इसको हमने सेव कर दिया। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इसे रन करेंगे। इसे रन करने के लिए आपको पाइथन कमांड चलानी है, पाइथन स्पेस फाइल नेम। तो हमारा फाइल नेम है ब्लर डॉट पी वाई। अब हमें ब्लर्ड इमेज मिल जानी चाहिए, तो ये रही वो फाइल अबाउट ब्लर। इसे ओपन करके देखते हैं। क्योंकि हमने 1 पिक्सल को ही ब्लर किया था, तो वो 1 पिक्सल का ब्लर विजिबल नहीं होगा, इसलिए हम इसे चेंज करके 10 पिक्सल कर देते हैं। तो ये 10 पिक्सल को ब्लर करेगा इमेज पे। इसे हमने वापस रन किया। अब चल के ओपन करते हैं इमेज, तो देखिए ये अब 10 पिक्सल इसने ब्लर कर दिए, ये ब्लरनेस हमें क्लियरली विजिबल है। तो इस तरह से आप एक इमेज के कुछ पिक्सल्स को या इमेज को ब्लर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो यूज़फुल रहा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।